बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मज़े मज़े के कबाब लंच बनने लगा और नाश्ता मैंने उनको दे दिया था। जी हमारा व्लॉग जो है ना वो नाश्ते से स्टार्ट होता है, खाने से। अच्छी बात नहीं है, लोग कह रहे थे कि आपका व्लॉग जो है ना वो खाने से स्टार्ट होता है, क्यों ना? अच्छी बात है ना कि सुबह सुबह बंदे का मूड अच्छा भी ना हो या रात के टाइम जब भी वो व्लॉग देख रहा हो तो खाना देख के उसका मूड तो अच्छा हो सकता है ना, क्यों मिबू? हैं, अच्छा है ना। ये देखें जी जनाब, हमारे पास आए थे ब्लैंकेट, मैंने उनको अच्छी तरह से वॉश करवा के पैक करवाया है जो लेके जाना है हमने भावल नगर। तो यहाँ पे हो रहा है नाश्ता और साथ अब इनका लंच तैयार होने लगा है। खाने को देख के अच्छा अच्छा मूड अपना किया करें। देखें इस तरह बन रहा है मज़े का सैंडविच, ठीक है। अब इसके ऊपर दो खीरे लगा लें मीरब जी, और जो भी लगाना लगा के फिर इसको हम करते हैं कट, ठीक है। तो ये आलू और चिकन के हमने कटलेट्स बनाए हुए हैं कबाब टाइप, तो ये बड़े मज़े के लंच में लगते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे, अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। आज के ब्लॉग का आगाज़ ही अभी शाम से करते हैं क्योंकि आज सारा दिन हम हॉस्पिटल में रहे हैं, तबीयत कुछ नासाज हो गई थी उस वजह से, तो बच्चों वगैरह को स्कूल भेजा और उसके बाद फिर थोड़ा सा काम करके हम चले गए हॉस्पिटल। वहाँ से शाम को ही वापस आए हैं। तो शादी है मेरे भाई जो हैं उनके ब्रदर इन लॉ की, तो सारे लोग वहाँ पे जा रहे हैं। मुझे भी कह रहे थे, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं जाना, मैंने घर पे रहना, तबीयत नहीं कुछ ठीक। तो अभी सारे ही लोग जा रहे हैं शादी पे, मेरी मीबू भी अब्बू भी तैयार हुए हैं, अम्मी लोग भी अभी आने वाले हैं। मैंने कहा आप लोगों से बातें शातें हो जाएँ। तो हम रहे थे अपने घर जाके, वहाँ एक दिन के लिए गए थे, फिर वापस आ गए यूसुफ को देखने के लिए। तो यूसुफ अच्छा है, हंसता भी है, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को हंसता हुआ भी नज़र आता है वीडियो के अंदर, जब उसको छेड़ें या उससे कोई बात करें तो आगे से वो हंस भी देता है। तो बड़ा अच्छा है माशाल्लाह यूसुफ, अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी करे, बहुत ही प्यारा है, बड़ा ही क्यूट है। बच्चे होते ही क्यूट हैं, न्यू बॉर्न बेबी जो है वो क्यूट ही तो होते हैं, मुझे बड़ा वो क्यूट लगता है। तो मुन्ने ने कल पहली बार उसको उठाया था और मुन्ना कहता मम्मा मुझे बड़ा प्यारा लगा है भाई, ज़ाहिर भाई है उसका और मीबू का भी भाई है। अब मीबू के हो गए हैं दो भाई और मुन्ने का भी हो गया एक बहन और एक भाई। अब आगे जैसे जैसे बच्चे आते जाएंगे तो इजाफा होता जाएगा, बढ़ते जाएंगे। तो असल में ये जो न्यू बॉर्न बेबी था ना, ये देने का फ़ैसला किया था मेरी बहन भाई को, जो मेरे भाई शायर है ना उनके पास बच्चा नहीं है, तो पहले ये फ़ैसला हुआ था कि उनको दे दिया जाए। तो मुझे कौशल ने कहा था कि आप ना भाई से पूछ लेना, मैं उसको ही दूँगी। फिर बाद में बात नहीं हुई, तो जनाब अली उसके बाद फिर जब पूछा तो फिर उनके दिल को कुछ हुआ कि वो अपना बच्चा नहीं दे सकती। अब मैंने भी कहा नहीं, अब तो उसने डेढ़ माह अपनी अम्मी का दूध भी पिया है, अब वो नहीं जुदा कर सकती। चले अल्लाह ताला मेरे भाई को भी दे, आप लोगों ने भी दुआ करनी है कि उसकी शादी को काफ़ी अरसा हो गया लेकिन अभी तक बच्चा नहीं, अल्लाह ताला उसको भी दे बच्चा, ये तो दिल से दुआ है। तो ये जनाब अभी जा रहे हैं सारे शादी पर, शादी से अभी वापस आते हैं, तो फिर हम जो है ना वो इनसे मिलेंगे। मैंने अबू से कहा मेरे लिए थोड़ा सा हलवा लेते हैं ना गाजर का, मुझे बड़ा पसंद है, पता नहीं अब लेके आते हैं कि नहीं। तो अभी ये शादी पे जा रहे हैं, शादी से वापस आते हैं, फिर भी मैं आपको मिलवाऊंगी। ये सिंध से मुझे चादर गिफ्ट मिली थी, मैंने कहा आज ले लें, तो ये सर्दी भी हो रही है तो गर्म भी है, यानी कि अच्छी है, मोटी है, बड़ी प्यारी है, कलर इसका बड़ा प्यारा है। हमने आज बनाई बड़ी मज़े की दाल और लोग कह रहे थे कि आपका व्लॉग खाने से स्टार्ट होता है, तो अच्छी बात है ना, आप लोग खाने देखा करें और इन्जॉय किया करें, ठीक है। तो मेरे गंजा साहब सामने आ रहे हैं, क्या खा रहे हो? मुन्ना भाई एम बी बी आई सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। मुल्तान का हलवा हम खा रहे हैं अभी। अब आपके बाल नहीं रहे, अपना देखा करें, अपने बालों की फिक्र पड़ी हुई थी, हमने इसको गंजा करवा दिया। भाई प्यारा है, यूसुफ, यूसुफ नाम है कि हमजा, जो मर्जी रख ले, जो मीबू कहती है। अभी लिखवाने जाना है तो मेरे भाई को नहीं मिला यूसुफ, अल्लाह उसको भी दे इंशाल्लाह, अपना बच्चा देना आसान नहीं होता। ज़ाहिर है कौसर अपनी जगह पे ठीक है, पहले उसने कहा था फिर बाद में
कहते नहीं, तो यूसुफ को किसी को भी नहीं दे रहे हम। यूसुफ अब अपनी अम्मा के पास ही रहेगा और अल्लाह भाई को यूसुफ दे, ये आप लोगों ने दुआ करनी है, ठीक है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आए जी, इनको भेजते हैं शादी पे, उसके बाद फिर इंशाल्लाह दिखाते हैं आप। लेट हो गया वो तो। आ जाएं भाई खाना खाने के लिए। दाल बनी है आज बड़ी मज़े की, साथ मैंने कटलेट्स भी फ्राई किए हैं और साथ फिश भी थोड़ी सी पड़ी हुई थी वो भी। अब्बू जी आ जाएं, लगता है नमाज पढ़ रहे हैं। आ जाएं अब्बू जी नमाज पढ़ के। यहाँ पे बनने जा रहा है मटर, और मटरों के साथ हम बना रहे हैं कीमा। बनाएंगे हांडी के अंदर, देखें जी। अदरक लहसुन वो उसमें भी डाल जाएगा ना कबाब में। हाँ जी, नहीं डालना ये। देखो कितना मज़े का मटर कीमा है। आजा मेरा बेटा खाना खाओ, आज 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 बड़ा मज़े का बना, देखे जी। चल आओ, उठ जा उठ जा मेरा काका, ठीक है? आज 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 काका खा लो मेरा बेटा फ्रूट्स। आज आज खा लें खा लें खा लें जी। मेरा मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है, आप लोगों ने बताना है। इतना तैयार श्यार होके कहाँ जा रहे हो सरकार? शादी पे वलीमे पे जा रही हैं? हैं किसके वलीमे पे? आपने बोला मुझे इसमें आए थे मियां बीवी जो दोनों जी, आपका भी आया था। आप भी हां, मेरे को पता ही नहीं हो। आपने आपने मैंने उसके ऊपर लिखा हुआ न्यू ऑफिस सेरेमनी, अच्छा ओपनिंग ऑफिस की, तो उसके अंदर था। ये देखें जी, ये हारिस भाई फिर आ गए हैं। बाबा जी के घर आ जाए। बाबा जी कहाँ भेज रहे हैं इसको, इतनी खूब प्यारी बच्ची है। ये जा रही है भाई वलीमे पे। मेरा भाई जो है ना उसके ब्रदर इन लॉ का वलीमा है, तो ये वहाँ जा रही है। ये सीरप है, ये है इमरान भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक माशाल्लाह। उसमें आप ही के पास आए हैं, उसमें आप ही लॉलीपॉप खा रहे हैं। उनको किसी ने लॉलीपॉप गिफ्ट किया, एक बड़े खास काम के लिए आए हैं। हाँ इंशाल्लाह वो भी जाएगा, खास काम करेंगे। ये कैमरामैन भी बैठे हुए हैं और मुन्ना भाई को तो आप जानते ही हैं। उनके बेटे को लेने कौन गया? हाँ मुन्ने। और ये जनाबे अली देखें, हम हैं ही बड़े खूबसूरत, मैं हूँ ही बड़ी खूबसूरत, इसलिए मुझे इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट मिलते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल ओरिजिनल फूल है। नहीं ये ना लगाओ, ये मेरी दोस्त आई थी सब्जा, हाँ सब्जादार से आई थी मेरी एक दोस्त, बड़ी प्यारी। आपने देखा होगा पहले उन्होंने मुझे ये वाला फूल दिया था पिंक, जब मैं डेंगू से रिकवर हुई थी, और आज आई है मुझे ये वाला फूल देने। और ये फूल बिल्कुल रियल, और इसमें इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, दिल करता है मैं सूंघते जाऊँ। आप लोगों ने बताना एक कैसा लगा। ये उन्होंने खुद खास मेरे लिए अपने हाथों से बनाया, कोई किसी से इतनी मोहब्बत भी कर सकता है? ये तो मैंने आज जानना है। देखें अपने हाथों से इतना प्यारा फूल, ऑरेंज और पीच और येलो कलर का। देखे आपको तो फोन ही आते रहते हैं। हाँ फोन मुझे बड़े आते हैं, लोग करते हैं, मैं क्या करूँ, फोन भी सुन लेते हैं, ठीक है? तो जनाबे ये देखें कितना प्यारा फूल। आप लोगों ने मुझे बताना कि आप लोगों को ये फूल कैसा लगा। मेरे पास हो गए उनके दो फूल, बहुत अच्छी हैं, बड़ी अच्छी हैं, जितनी आप कहें। आप लोगों ने उनके लिए दुआ भी करनी है। तो ये है लॉलीपॉप, इसको मैं अब खाऊंगी। मुन्ना भाई MBBS मुन्ने मुन्ने भाई कैसा लगा फिर कल? प्यारा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा। प्यारा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा। रैन भी आ चुकी है शादी पे जाने के लिए। ओए दिखाओ इधर 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 आओ इधर आओ रैन, इधर आओ, गाड़ी में बैठ के चले। बैग दिखाओ, बैग कहाँ से लिया? वाह जी वाह। और मेरी प्यारी अम्मी इधर आए जरा, दोनों मियाँ बीवी जरा देखें कैसे लग रहे। आप भी आए साथ, हंस रहे हैं बेगम को देख के, मैचिंग मैचिंग। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। अम्मी कितने जा रहे हो इतने तैयार हो के? शादी पे जा रहे हैं। और अब्बू भी देखे आज माशाल्लाह। ये है मेरी अम्मी, प्यारी सी अम्मी, और माशाल्लाह सेहतमंद है। बाकी तो मसाइल बीमारियों के तो चलते ही रहते हैं, वो तो चलते ही रहेंगे सारी ज़िंदगी, लेकिन बज़ाहिर पर्सनैलिटी आपने बताना है कैसी लग रही है। ये हैं अब्बू और ये हैं अम्मी। अम्मी माशाल्लाह बड़ा तैयार शहर होके आई हैं, लश पश ब्लैक कलर का सूट, और शायर को तो आप जानते ही हैं। ये हैं शायर साहब, ठीक है? तुमने बड़ा प्यारा सूट पहना हुआ है, खैरियत? हाँ जी, मेरे साले की शादी है। ब्रदर इन लॉ। कुछ नहीं होता, साला कह दिया खैर है खैर है। ब्रदर इन लॉ की शादी है भाई उसके। कल बरात थी तो आज है वलीमा। ये सारे लोग जा रहे हैं, ये सारे लोग जा रहे हैं जी शादी पे तैयार। अम्मी ने तो खैर से मेहंदी भी लगा रखी है,
और हाथ में भी चूड़ियाँ छूड़ियाँ और बड़ा तैयार शैर होके जाए। चले जी खैर से जाए, हम गाड़ी में बैठ रहे हैं, वहां से बता दो जी। मैं बना लेती हूँ, चले मुन्ने को ले जाए। हाँ जी शबीर साहब भी जा रहे हैं। नहीं बैठी रहे, पीछे ही बैठो। अस्सलाम वालेकुम, पीछे ही बैठो भाई। बीर साहब भी जा रहे हैं। बेगम बड़ी साड़ी शाड़ी पहनी हुई है, मेहंदी की साड़ी भाई मोटा होता है। ये देखो साड़ी कितनी प्यारी तेरी है ना। हां जी बच्चे पार्टी और हैं बच्चा बिलाल और अवैस। अवैस इधर देखो, अवैस इधर देखो। ये है अवैस, ये है बिलाल, ये है मिबो और ये चलो अब्बू के पास बैठो आगे। चलो चलो जी जाओ, बैठ रहे हैं वो देखो। खैर से जाओ, मेरे लिए गाजर का हलवा लेके आना सब ने, एक एक चम्मच सारे लेके आएंगे। खोली गेट, खोली गेट, खोली गेट, खोली। बड़े तैयार शहर हो गए, कहाँ जा रहे हैं? बलीमे दे जी, बलीमे दे। क्यों तुसी कंघी कर ली आज? हाँ। लोगों ने कहा कि तुसी अपने अब्बू रोज कंघी करनी करनी। अब्बू ने बाल कटाते थे, अब्बू ने बाल कटिंग करा दिया, कहते मैंने नहीं करनी। अच्छा बलीमे दे जा रहे हो तो तुसी ना थोड़ा जा उतो गाजर का हलवा बस उन्होंने कहना कि मेरी धी नू बड़ा पसंद है, थोड़ा जा प्लेट च पा के ले आना। अच्छा लियाओगे? वादा? नहीं वैसे नहीं लियाना, जिवे लोग करदे ने शादियां दे। तुसी उन्होंने पूछ लेना कि भाई इन्ना कोई दे दो एक चम्मच, मैं उस्मा वास्ते लेके जाना। मैं जरूर शादी ते जांदी, मेरे को हुण जाया जा रहा तबीयत तुहानू पता नहीं। ठीक ठीक है, ठीक है लैके आओगे? चलो ठीक। देखे मेरे बुक कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। अम्मी भी आई देख के जरा थोड़ा सा मुस्कुरा ही पड़ेगी। आ रही अभी अम्मी, अम्मी भी दिखाती हूँ वो कैसा तैयार हुई हुई है। उन्होंने किया, मैंने नहीं किया, उन्होंने किया। जी व्यूवर्स, सारी नफरी शादी से आ चुकी है वापस, और वापस आ गए अपने अपने घरों को भी जा चुकी है। तो रात का हो गया है बहुत ज़्यादा टाइम, तकरीबन एक ही बजने वाला है। मैंने कहा अब सोया जाए, क्योंकि सुबह उठ के बच्चों को स्कूल भेजना है और फिर काम निपटाने हैं सारे, तो रात ही होती है एक बंदा इसमें सुकून करे। बहरहाल कुछ रातें भी सुकून से नहीं गुज़रती, ऐसे ही हो जाती हैं। इंसान बस गुजारा कर रहा था कि गुज़र जाए किसी तरीके से, ये वक्त भी गुज़र जाए, ये वक्त भी गुज़र जाए। तो बस हम वक्त को गुजार रहे होते हैं किसी ना किसी तरीके से। बाकी जो ज़िंदगी है वो किसी के लिए नहीं रुकती, ज़िंदगी कभी भी वक्त नहीं ठहरता, वक्त गुज़र जाता है, अच्छा हो बुरा हो। लेकिन अगर अच्छे तरीके से गुज़रेगा तो वो अच्छी यादों के साथ होगा, अगर बुरा गुज़रेगा तो फिर उससे तकलीफ़ होगी उसको याद करने से। इसलिए जो बुरा वक्त गुज़र जाए ना उसको मेरे ख्याल में याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे फिर बहुत ज़्यादा ना आप लोगों को तकलीफ़ होती है। तो बुरा वक्त मैं तो याद नहीं करती, आ तो जाता है, हकीकत है, आ भी जाता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि बुरा वक्त जो है ना वो मैं याद ना ही करूँ। बाकी गुजर रही है ज़िंदगी। आज मेरे अब्बू जी को हो गया बहुत बुखार, वो इसलिए कि सारा दिन बस आपको पता है उनका काम है साफ सुथराई, ये वो स्कूल के अंदर सफाइयाँ करते करते बुखार हो गया। फिर मैंने थोड़ा सा कहा कि प्लीज़ आप बैठ जाइए, तो नहीं बैठ रहे थे, बड़ी मुश्किल से फिर उनको बिठाया मैंने, बैठे फिर भी नहीं है, काम उन्होंने पूरा ही किया है। फिर चले गए थे घर के, जाके कोई पैनाडोल वगैरह ये वो खाएंगे और तबीयत ठीक हो जाए तो अल्लाह करे इंशाल्लाह। बकाया मुन्ना साहब भी बीमार हो गए थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हैं, अल्लाह का बड़ा ही एहसान है। और मीबू को पढ़ी आज मेरे से, आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स के अंदर कहना क्यों मारा क्यों मारा, जो मैं जमाती हूँ। आप लोगों का बड़ा शुक्रिया, आप लोग मुझे देखते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, मुझे इससे हौसला मिलता है, खुशी मिलती है और मेरे अंदर एक स्ट्रॉन्ग सा फील होता है कि मैं वाकई स्ट्रॉन्ग हूँ यार, लोग इसीलिए तो कह रहे हैं। बाकी ज़िंदगी गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी गुजर रही है। अल्लाह ताला करम करे, फ़जल करे, रहम करे और सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सबकी परेशानियों को ख़त्म करे, आमीन सुम्मा आमीन। जो बीमार हैं उनके लिए रातें बहुत लंबी होती हैं, रातें वैसे तो बहुत छोटी होती है, लेकिन जो बीमार होते हैं उनके लिए रातें भी लंबी होती हैं, गुजरती नहीं है। जब दर्द होता है ना तो रात नहीं जल्दी गुजरती। तो अल्लाह सारे बीमारों को, जितने भी घरों में हॉस्पिटल में बीमार हैं, अल्लाह सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, ये दिल से दुआ है, और किसी के पीछे मुझे भी सेहत तंदुरुस्ती दे दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो
ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दो में याद रखिएगा, और रेड सा बटन जो है उसको प्लीज़ दबा दीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए, मुझे देखने के लिए, थैंक यू सो मच। तहे दिल से कल अच्छे से ब्लॉग के साथ होगी मुलाकात, और फिर आपसे मिलेंगे दोबारा, ठीक है। जब तक अल्लाह हाफिज़।